हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन मार्क। फ्रेंड्स, आज हम पाइनएप्पल सॉस बनाने जा रहे हैं, जिसे आप केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, डेजर्ट सभी के अंदर वो टॉपिंग के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हो। चलिए पाइनएप्पल सॉस बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पाइनएप्पल को बारीक पीसेस कर लिए हैं और उसे एक मैंने ऐसे कुकर में, ये ऐसे लीजिए आप कोई बर्तन जो जैसे हमें इस कुकर में बनाना है तो ये इसके अंदर अच्छे से आ जाए, ऐसे बर्तन में मैंने इसे रख लिया। और इस कुकर के अंदर मैं ये एक गिलास पानी डाल दूँगी और इसके अंदर ये पाइनएप्पल का बाउल डाल दूँगी। ये पाइनएप्पल पहले टेस्ट कर लीजिए, ज़्यादा अगर खट्टा हो तो शक्कर ज़्यादा डाल दीजिए। ये मेरा पाइनएप्पल थोड़ा मीठा है इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर 2 टीस्पून जितनी शक्कर डाल रही हूँ बस। और इसे मैं एक प्लेट से ऐसे कवर कर दूँगी, ये इसे ढक दूँगी। इसकी मैं 5 से 6 सीटी ले लूँगी या आप फिर इसे 15 मिनट के लिए सीम आँच पर छोड़ दीजिए, मैं इसे गैस पर रख देती हूँ। ये देखिए कुकर ठंडा हो गया है, ये पाइनएप्पल ये देखिए पूरा ठंडा हो गया, इसे मैं निकाल लेती हूँ बाहर। ये पानी जो है ये शक्कर का पानी है, हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था। अब ये ठंडा हो गया, इसे मैं अब मिक्सी के जार में अच्छे से पीस लूँगी। आप इसे स्टोर करके भी आराम से 4 से 5 महीनों के लिए रख सकते हो। आप ये इसकी केक की आइसिंग वगैरह और केक के अंदर हम टॉपिंग करते हैं वो सब इसके लिए आप आराम से इसे यूज़ कर सकते हो। आप इसे बनाकर एक बार रख लीजिए, मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए ये कितने अच्छे से बारीक पेस्ट हो गया है, ये हमें इतना फाइन पेस्ट चाहिए क्योंकि हमें इसे छानना भी नहीं है। ये देखिए इसे मैंने पानी डाल के भी नहीं पीसा है, बस इसे पीसा और इसे फाइन पेस्ट करना, इसे हमें छानना भी नहीं है। बस इसे आप आराम से कोई से भी कांच की बॉटल में या एयरटाइट कंटेनर में इसे भर कर स्टोर कर सकते हो 5 से 6 महीने के लिए, ये भी आप आराम से स्टोर कर सकते हो। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पाइनएप्पल सॉस तैयार है। ये ठंडा होने के बाद में थोड़ा और जाड़ा हो जाएगा और आप इसे केक की आइसिंग में और शेक बनाने में और आइसक्रीम वगैरह की टॉपिंग के लिए आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसे फ्रिज में स्टोर कर दीजिए तो आपका काम भी बहुत इजी हो जाएगा। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पाइनएप्पल सॉस तैयार है।